नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच नाइन्थ क्लास के इंग्लिश का चैप्टर 6 जिसका नाम है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का भावार्थ लेकर आया हूं। इसका अर्थ होता है बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। तो पहले हम लोग परिचय जानेंगे, इसके बाद पाठ का विस्तार समझेंगे। तो शुरू करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट सहनाई मेस्ट्रो एंड द रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001 वाज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। महान सहनाई सम्राट और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्राप्तकर्ता 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का यात्रा करने के बावजूद भी उन्हें बनारस और डुमराव से अत्यधिक लगाव था और वे उनके लिए संसार का सबसे सुंदर शहर थे। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। वे 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गए। ही वॉज गिवेन अ स्टेट फनेरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मोर्निंग। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अब पाठ शुरू करते हैं। इंपेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। बादशाह औरंगजेब ने शाही महल में पुंगी को हम लोग देहाती भाषा में बीन कहते हैं। नागिन फिल्म में उसका धुन सुनने को प्रायः मिलता है। तो पुंगी नामक वाद्य यंत्र को शाही महल में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसकी आवाज कर्कश और अप्रिय थी। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। नरकट से बनने वाले वाद्य यंत्रों के लिए पुंगी जातिवाचक नाम बन गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन यह पुनः जीवित होगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हू हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। पेशेवर संगीतज्ञों का एक परिवार का एक नाई जिनका शाही महल तक पहुंच था, उन्होंने पुंगी की ध्वनि की गुणवत्ता सुधारने का फैसला किया। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उन्होंने प्राकृतिक रूप से खोखले तना वाले एक नली को चुना एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप और उस नली के ऊपर 7 छेद बनाए। वेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस। जब उन्होंने उन छेदों में से कुछ को खोलकर और कुछ को बंद करते हुए बजाया तब उसमें से कोमल और मधुर ध्वनियां निकली।
ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इंप्रेस्ड। उन्होंने उस वाद्य यंत्र को राज परिवार के समक्ष बजाया और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। वह वाद्य यंत्र पुंगी से बिल्कुल ही अलग था, सो उसे एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। जैसा कि कहानी है, चूंकि उससे पहली बार शाह माने राजा शाह के कक्षों में और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए उस वाद्य यंत्र का नाम सहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ सहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सहनाई की ध्वनि को मंगलकारी या शुभ समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इस कारण से इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है और यह उत्तर भारतीय शादी का एक अनिवार्य घटक है। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इन असेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। प्राचीन समय में सहनाई नौबत का एक हिस्सा था या राज दरबार में पाए जाने वाले प्राचीन नौ वाद्य यंत्रों के समूह का एक हिस्सा था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। हाल तक इसका इस्तेमाल केवल मंदिरों और शादियों में होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। एज अ 5-year-old बॉय बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पौंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष का बालक बिस्मिल्ला खान बिहार के एक प्राचीन रियासत डुमराव में तालाब के नजदीक गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवेन बाय द लोकल महाराजा। वो नियमित रूप से पास के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाते थे, जिसके अंत में उन्हें 1.25 kg का एक लड्डू प्राप्त होता था, जो स्थानीय महाराजा के द्वारा इनाम में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 वर्ष पहले होता था। एंड द लिटल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। और उस छोटे लड़के ने एक लंबा यात्रा तय किया है भारत के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को अर्जित करने के लिए। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 March 1916 ईस्वी को जन्मे बिस्मिल्ला खान का संबंध बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार के साथ था। His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर राज दरबार के सहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर आल्सो सहनाई प्लेयर्स। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पैतृक पूर्वज लोग भी सहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उस छोटे से बालक ने अपनी छोटी उम्र में ही संगीत को अपनाया। एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस
इन बनारस नाउ वाराणसी। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। 3 साल की उम्र में जब उसकी माँ उसे उसके मामा के घर बनारस में ले गए जो वाराणसी है, बिस्मिल्ला अपने मामाओं को सहनाई बजाते हुए देखकर मोहित हो गए। सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल अलीबक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्ला अपने मामा अलीबक्स के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लगे जहां बक्स सहनाई बजाने के लिए नियुक्त थे। अली बक्स वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। अली बक्स सहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्ला घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर बैठते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उसने उस वाद्य यंत्र को बजाना सीखना शुरू कर दिया और दिन भर बैठकर अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कूड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। आने वाले अनेक वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा उस प्रशिक्षु बालक का प्रिय स्थल बन गया जहां वे एकांत में रियाज करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। गंगा की प्रवाहित जल उसे उन रागों को सुधारने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें पहले सहनाई के सीमा से परे समझा जाता था। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला एकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग्स बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने उनके पीठ को थपथपाया और बोला, कठिन परिश्रम करो और तुम अवश्य ही सफल होगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्ला बिग ब्रेक। 1938 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के साथ बिस्मिल्ला खान के लिए एक बड़ा मौका हाथ लगा। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। वह रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले सहनाई वादक बन गए। वेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज सहनाई। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब बिस्मिल्ला खान अपने सहनाई से देश का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गैव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने लाल किला से राग काफी में अपने दिल को निकाल के रख दिया और उसके श्रोता में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य के साथ कोशिश भी करना चाहिए नामक भाषण दिया था। बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने
दोनों जगह भारत में भी और विदेश में भी अनेक यादगार प्रस्तुतियां दी है। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनका पहला विदेश यात्रा अफगानिस्तान था, जहां राजा जहीर शाह उस्ताद से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य फारसी की कारपेट्स और दूसरी स्मारिकाएं उपहार में भेंट किया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खान के संगीत से मोहित होने वाले लोगों में केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान को एक समारोह में बजाते हुए सुनकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उस वाद्य यंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। वह फिल्म बहुत ही सफल रहा, जिसमें उनकी एक अपनी रचना थी, दिल का खिलौना हाय टूट गया। वह देश स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान सक्सेस इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड टू टू। सिनेमा जगत में बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान की सफलता फिल्म संगीत में केवल दो तक ही सीमित था। विजय भट्ट गुंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ एडवेंचर सनाधि अपन्ना। विजय भट्ट की गुंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस। वो जोर देकर कहते हैं कि मैं फिल्म जगत के चमक दमक और बनावटी पन के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता हूं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और सम्मान अधिक मात्रा में आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति के लिए निमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बने। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में जो कनाडा में है, केन्स में कला महोत्सव में जो फ्रांस में है, और ओसाका में व्यापार मेला में जो जापान में है भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभागार उनके नाम पर तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन 2001
उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विथ द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। उस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने छाती पर टिकाए हुए उनकी आंखें दुर्लभ खुशी से चमक रही थी। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को संगीत सिखाइए, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध विरासत है। यहां तक कि अब पश्चिम देशों के लोग भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि वो प्यार से खान साहब भी कहे जाते हैं, सारी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद भी उन्हें बनारस और डुमराव से अत्यधिक लगाव था और वे उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत शहर थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू लीड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनका एक विद्यार्थी उनसे चाहते थे कि वे अमेरिका में सहनाई विद्यालय चलावें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस विद्यार्थी ने वादा किया कि वो मंदिरों की प्रतिकृति स्थापित कर बनारस जैसा वातावरण निर्माण करेंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वे गंगा नदी को भी लाने में सक्षम होंगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरन कंट्री, यही कारण है कि जब कभी भी मैं विदेशी देश में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूं तब मैं डुमराव के अनूठे मट्ठा को याद करता हूं। शेखर गुप्ता कहते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जब देश का विभाजन हुआ तो आप और आपके परिवार वालों ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। बिस्मिल्ला खान कहते हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ करे, मी लीव बनारस नेवर, मैं और बनारस छोड़ना कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान गया हूं यह कहने के लिए मैंने सीमा को पार किया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां लगभग एक घंटा तक था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, मैंने बहुत हंसा था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जीवन भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवाउट मुस्लिम
लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कोई भी व्यक्ति सहजता से स्वीकार कर सकता है कि उसके जैसा एक धर्मपरायण मुसलमान ही काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक सवेरे बड़े ही सहजता से स्वाभाविक रूप से सहनाई को बजा सकता है। और इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है। मैं विश्वास करता हूं कि एक से दो बार यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा से इसका अर्थ लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपके साथ नए चैप्टर में, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।